वोटर है। पागल है, नहीं करेंगे वोटर। आई विल किल यू इन एनी वे। देखो इतना स्ट्रेस नहीं है लाइफ। डूड अभी हम घर में रहते हैं, एक ही घर में रहते हैं, सो लाइक इट इज सो डिफिकल्ट टू मैं ब्लॉक कर दूं और वो ना आए, इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। This is the most daring video that I have been preparing myself for the last 30 minutes just to film this. Hi, welcome to a video where I prank my fellow YouTuber friends. For today's giveaway, we have full-size skincare products from the House of L'Oreal Paris. And today's rules are very similar to subscribe to the channel and of course to like and share this video. However, the quiz question for today is that in which video and specifically when did I hint about this giveaway? Comment down below and participate. मेरा emotional quotient बहुत high है. तो मैं 100 बार सोचूंगी कि इसको बुरा लग गया तो इसको बुरा लग गया तो इसको बुरा लग गया तो. But I've selected only those people who I'm close to. And I hope that this is not going to cross their boundaries. Unfortunately, I cannot call Mridul and Manasi today because Manasi ki to behen ki wedding abhi chal rahi hai as we speak. And even Mridul is super busy with Adya's wedding, so we'll prank them sometime next. But don't think that there's any beef. They're busy and I don't want to disturb them with any stuff like this. So the first person that we'll prank is Gopali and Janvi together. I'm going to tell them ki there's this amazing travel brand who wants to do a 1 year partnership, but ya to Gopali ke saath karenge या तो जानने के साथ करेंगे, दोनों के साथ उनको नहीं करना। एंड दे डू अ ट्रायल वीडियो विद बोथ एंड जिसका भी बेटर परफॉर्म करेगा उसको वो कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। द कैच इज दे कैन नॉट शो अप ऑन ईच अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फॉर अ मंथ बिकॉज दे नीड टू अंडरस्टैंड कि दोनों का इंडिविजुअली परफॉर्मेंस कैसा है। सो आई डोंट थिंक दे विल एक्सेप्ट दिस डील बट आई थिंक दे विल हैव रियली फनी रिएक्शंस कि ये कैसा ब्रांड है। तो लेट्स कॉल। आई हैव कैप्ट माय सेकंड फोन रेडी। आई रियली होप नोबडी यूजेस ट्रू कॉलर वरना उनको दिख जाएगा कि मेरा नंबर है। ठीक है, सो लेट्स कॉल गोपाली। हेलो हेलो, आई एम सो स्टूपिड। आई कॉल्ड हर फ्रॉम माय अननोन नंबर। व्हाई डू आई नीड टू कॉल हर फ्रॉम एन अननोन नंबर? आई हैव टू बी मायसेल्फ ओनली, नो? ओके, आई हैव एन आइडिया ऑफ हाउ टू पैच वर्क दिस अप। हेलो, हाय, 5 मिनट है? हाय, तो मेरे को ना ये एजेंसी से कॉल आया कि एक ट्रैवल ब्रांड है, मतलब न्यू ऐप डेवलप हो रहा है, उन्होंने नाम नहीं बताया बट दे लाइक कि लेकिन द फर्स्ट पर्सन आई थॉट ऑफ वाज यू एंड जानवी फॉर दिस क्योंकि तुम लोग ट्रैवल में इतने मस्त कंटेंट बनाते हो। सो बेसिकली दे वांट टू डू अ ईयर लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट विद 2 यूट्यूबर्स एंड दे आर कंसिडरिंग मी फॉर दिस एंड दे आस्क्ड मी कि और किसको लाइक इफ आई हैड रेकमेंड समबडी। तो आई वेंट फॉर बोथ ऑफ यू बट द कैच इज कि दे वांट टू डू विद ओनली वन अदर पर्सन। तो या तो तेरे को या तो जानवी को, लाइक दे डोंट वांट टू डू दोनों को। बट लाइक व्हाट आई फाउंड सुपर वियर्ड इज व्हाई आई एम कॉलिंग यू इवन दो आई हैव टोल्ड देम टू टेक योर मैनेजर्स नंबर फ्रॉम योर सोशल्स। दे लाइक कि दे विल नॉट लेट यू एंड जानवी कोलैब फॉर अ मंथ टू अंडरस्टैंड कि किसका एंगेजमेंट बेटर है। पागल है, नहीं करेंगे। दिल्ली का कॉल है, नहीं तो यू नो ये शायद उनकी वो होगी। तू एक काम करना ना, मैं इफ यू आई जस्ट सेंड यू माय मैनेजर्स नंबर इन द डायरेक्ट फॉरवर्ड इट टू देम कि यू नो आई एम जस्ट मेकिंग अ वर्क इजी, दिस इज माय मैनेजर्स नंबर। बाकी आगे उसी से निपटवाई है। माय मैनेजर इज गुड एट टॉलरेटिंग ऑल ऑफ दिस। ब्रांड में नए नए नखरे लोग क्या आती है ना यार, मैं बता नहीं सकती हूँ। नवाई के लोग हैं ये सीधे। बट मेरे को लगा है कि एक स्ट्रोक में तो ना ही बोल देगी बट आई स्टिल जस्ट हैड टू टॉक टू यू कि क्या है मतलब। नहीं तो एक नई ट्रैवल एजेंसी है जो आए हैं तो उन्होंने वो एक और क्रिएटर का पूछ रहे थे तो उसने हम दोनों का नाम बताया। देखिए फोन टू वर्सेस एनी ऑफ अस पर वो हम दोनों को 1 महीने के लिए कोलैब कर लेते ताकि उनको पता चले। यार क्या बॉन्ड है यार, तुम लोग कितना भी झगड़ो बट मेरे को पता था पहले कि तुम दोनों ना ही बोलने वाले हो। मेरे को बस आई जस्ट वांटेड सम एंटरटेनमेंट। डूड अभी हम घर में रहते हैं, एक ही घर में रहते हैं, सो लाइक इट इज सो डिफिकल्ट टू मैं ब्लॉक कर दूं और वो ना आए, इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। ओके बिफोर यू गेट मोर वर्क्ड अप लेट मी टेल यू इट वाज अ प्रैंक। ऐसा कोई कॉल नहीं आया मेरे को। मेरे को
100 बार सोचना पड़ा है ये प्रैंक वीडियो शूट करने के पहले। मैंने ना देखो मेरे दूसरे नंबर से फोन कर दिया गलती से, which I again should not have told you, क्योंकि फ्यूचर में प्रैंक करने काम आता था, but I was like shit, why am I calling you from an unknown number, I have to be myself only ना। बट यू नो आई वुडंट बी सरप्राइज्ड अगर कोई ब्रांड ऐसे बोल भी दे, पता है, क्योंकि आजकल एज यू सेड इतने अजीब लाइक आने लग गए ना रिक्वेस्ट की हाँ थैंक यू करती हूँ फोन बाय। Wow, this went so freaking well. They bought it and I'm just so proud to have these kind of people as my friends, because usne ek, she didn't even ask what is the amount of money involved and that was not even a thought. She straight up went like, no, nahi karna, yehi kya demand hai. So I knew they were going to say this, but bahut maza hai. Yay, we did one. Okay, so the second person we're going to prank is Sara Sarosh. I just attended the Impulse launch party 2 days ago and that's where mujhe idea aaya ki Impulse ko lekar prank karte hai, which I know is a very sensitive topic because I have seen her work so hard and whatever I'm about to tell her on the call is strictly a prank. There cannot be a quality issue with Sara. I know that because I have seen her work for it. So aisa mat assume karna ki aisa possible hai. Aisa kuch bhi nahi hai. This is just a prank I'm doing with her. So only and only because I know how hard she has worked on Impulse Coffees, I know that what I'm about to tell her is going to really get to her. Basically, I'm going to tell her ki I think that there is some grain in the coffee jo dissolve nahi ho raha hai. Oh, I don't know if I should do this, man. I feel like main usko ek do minute mein bata dungi ki sara prank hai. Hello, hi, tu free hai 2 minute? Bolna. Like tu pakka free hai na? Haan, main just uthi. Bolna. अच्छा सो ऐसे तो पैनिक मत होना, बट आई वॉज जस्ट मेकिंग माई फर्स्ट कप ऑफ इम्पल्स एट होम एंड लाइक व्हेन आई वॉज मिक्सिंग इट विथ सोई मिल्क ऐसा दो तीन ऐसा डॉट्स था विच वर नॉट डिजॉल्विंग, तो आई लाइक टुक इट आउट एंड आई एम प्रेसिंग इट विथ माई हैंड, तो भी वो ऐसा टूट नहीं रहा है, तो वॉट डू यू थिंक इट कुड बी? No, that's coffee. You need freeze-dried coffee. It'll take you like temperature or frothing to for it to melt completely. हाँ गरम दूध था. तू खाली चम्मच से कर रही है? नहीं पर दूध तो गरम था. तो नहीं ऐसा हम लोगों के साथ तो कभी नहीं हुआ है. तो ऐसा वो which is why I called you अभी कि is this something that needs to be checked की क्या, because we've not dispatched ना अभी तक, तो just send me a photo ना. हाँ ऐसा मतलब I'm thinking it won't be a stone or anything ना कि इतना कड़क है कि dissolve नहीं हो रहा है. I don't think it's a stone or anything. Just send me a photo. हाँ I'll send you a picture. मतलब वो पिघल भी नहीं रहा है? नहीं अरे मैं उसको हाथ में लेके दबा रही हूँ, वो टूट ही नहीं रहा लंप, because sometimes तो let me just go back up quickly and break it and show you. But I think that's not a good idea because this was actually a prank. What an idiot! I will kill you in any ways. देखो इतना stress नहीं है life में, पता है? मैं उधर आके मारेगी, देखो. तू video बना रही है? हाँ. सब लोग मारो हेली को पकड़ के. मैंने रचित को 10 बार पूछा. I know, which is I need to make sure ki you're not actually busy because you're working your ass off like pura raat jag jag ke tu orders pack kar rahi hai, so I didn't want to do it when you were busy. इतना लंबा डिस्क्लेमर आई गेव बिफोर प्रैंकिंग यू कि भाई शी हैज वर्क्ड हर एस ऑफ, देयर कैन नॉट बी अ क्वालिटी इशू, दिस इज अ प्रैंक आई विल बी डूइंग ऑन हर. बट रचित को टोल्ड आल्सो मैं ऐसा प्रैंक करती हूँ कि बॉटल टूटा हुआ है, इज लाइक ये कोई प्रैंक थोड़ी है. I legit bought this and you were convincing. Just keep quiet. And I was like, ऐसा कैसे हो सकता है? But it's coffee. Yeah, but to everybody, try Impulse Coffee's link will be in the description of this video. You have to, because my friend is a kick-ass CEO. Chal, now get back to your CEO duties. मैं आराम से तेरे को फोन करती हूँ. Yeah. Oh my God. The fact that I've never pranked people before is really playing to my favor because everybody's buying my pranks.
everybody is getting convinced. So the next person I have in mind to prank is Alfia, aka Trendelite. She has totally killed it on Instagram and she's upping her YouTube game also now. However, she's still getting to know the entire copyright scene, and that's where I plan to prank her. So I'm going to call her from the unknown number and pretend that I'm from the YouTube India team, and I'll tell her ki her channel has already got 2 copyright strikes and abhi third lagne wala hai. So she really needs to delete the music from her videos, but before she does it, I'll tell her it's a prank. Theek hai. Hello. Practicing my voice. Hello. Hi, is this Alfia? Speaking. Alfia, this is Sonia from the YouTube India team. Yes. I just saw that you've recently been quite active on YouTube and there were a few concerns I just saw from the back end. So is this a good time? I'm actually out right now. Do you think that we'll call you back in 30 minutes? Sure, no problem. Thank you. Yeah. Oh God. Okay, so now I'll catch you when Alfia gets back. I think I will only call her at the 30 minute mark. Okay, let me open her channel and keep now so I can give her the exact video ka naam also. I'll tell her ki uske do shorts pe copyright laga hai, because shorts mein to copyrighted music use sach mein hua hai. It's just that uspe copyright lagta nahi hai because of reuse. Haan, Eid wala, pool party and permission to dance. Hello. Alfia, I'm so sorry to disturb you again, but I wouldn't have called if it was not this urgent. So, Alfia, the shorts that you've posted on your channel, I understand that you might be aware that the music in some shorts is copyrightable. However, usually you don't get strikes on this, but there are 3 shorts which are eligible for getting a strike. So, the first one is dressing up as your favorite Hollywood celebrities. The second one is pool party, but keep it modestly sexy. And the third one is permission to dance. All 3 of those have tracks which could be... really detrimental. Okay. So I just called you to let you know that if we can work something out, otherwise if we get these 3 strikes you could lose your channel immediately. Okay. I don't mind putting them down anyway, because my main platform is Instagram and that is where I've reposted it on YouTube. So I don't mind taking them down. What do you suggest? I'll have to cross check if the strikes have already been generated by the owner, because if they have, then taking them down might not be enough. So I'll quickly do a check and call you, but I'm really sorry that this is happening to you. It usually does not happen. Okay. No problem. I'm not in the state to discuss this. Okay, Alfia. Let me just pass on to my senior super quick. They just want to have 1 minute ka conversation with you. Just give me 1 minute. Can I call you back in sometime, please? Okay, Alfia, don't fret. It's Haley. I was thanking you. You're so stressed about it. Hi, hi. Meko na meko lag gaya tha pehle ye isko hair prank. Dusri baat, your voice, the girl who was talking, uski voice tere se bahut milti hai. Mujhe Haley hai. सॉरी तेको इतना स्ट्रेस देने के लिए अरे वीडियो फिल्म कर रही है हाँ अरे नहीं मेरी ऑनेस्टी फट गई थी बट कहीं ना कहीं मेरे को डर भी था मेरे को इंस्टाग्राम पे रिलेटेड ये वाले जो ईमेल भी बहुत आते हैं एंड आई एम लाइक मैं तो कुछ हूं नहीं यूट्यूब पे कोई क्योंकि मुझे कोई कॉल पागल है इतने सब्सक्राइबर्स है तेरे हमने रिसर्च करी पता है कॉल करने के पहले कि कौन से वीडियोस पे स्ट्राइक लगी है वो बोलना है मैंने देख मैं वही सोच रही थी इतना रिसर्च करके बैठा है सॉरी देख मैंने को बोल रही हूँ मैं रचित को बोल रही थी कि यार मेरे को ना डर लग रहा है वो चिल्ला देगी तो इसलिए तेरी अच्छी फ्रेंड है ना अच्छी तो बहुत फ्रेंड है वो मेरे पे नहीं चिल्लाएगी वो सोनिया पे चिल्लाएगी ये करना है कि वो करना बिकॉज़ मैं इधर स्कैम हो चुकी हूं ओ बाप रे
But this was so professional, the way you handled it, like not engaging in conversation is so much better than just, you know. Yeah, actually. So you've thought as like a way to handle this kind of situations if they ever happen. But yay, I successfully pranked you. ठीक है आराम से फोन करके देखो. Oh God, I was so worried that she's actually so stressed, so I just broke it to her. But we pulled off 3 out of 3 pranks. I cannot believe it. And Alfia still thinks the two girls were different. It was me only. So yay! All these lovely ladies' channels will be linked down below. Gopali, Janvi, Sara, Alfia. Make sure you subscribe to everybody and follow them all on Instagram. Along with our channel too. Do like this video and subscribe to our channel for future prank videos. Because अब ना मेरे में confidence का ऐसा fountain आ रहा है. Like, yes, I can do this. And all three of them were such a sport that I feel ke theek hai, logo ko itna bura nahi lagta jitna main sochti hu mere dimag mein. But if you did not enjoy watching this video, you can bindaas give it a thumbs down. I will see you in a brand new video very, very soon. Until then, goodbye.